स्वागत है सबका मेरी कक्षा सब पढ़ो सब पढ़ो में। आज के वर्तनी शोधन भाग दो में हम कुछ और अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना सीखेंगे। तो पहला शब्द है आगामी। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे इसको लिखते हैं आगामी, ये गलत होता है। आप बोलेंगे आगामी आगामी। फिर है बीमार। बीमार बहुत सारे, क्योंकि हम बोलचाल में बीमार बोलते हैं तो हमें लगता है छोटी की मात्रा है, उसका सही उच्चारण है बीमार, तो उसमें बड़ी की मात्रा लगती है, बीमार, ध्यान दीजिए। हानि, हानि मतलब नुकसान, तो हानि ये अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप है हानि, छोटी की मात्रा है। धुआं, धुआं तो इसमें बड़े ऊ की मात्रा बहुत ज्यादा लिखी जाती है, जो कि गलत है, उसका सही शुद्ध रूप है धुआं, छोटे ऊ की मात्रा है। व्यक्ति, व्यक्ति सबसे ज्यादा आप संज्ञा की परिभाषा में लिखते हैं व्यक्ति, तो व्यक्ति ऐसे नहीं, इस तरीके से लिखा जाता है शुद्ध रूप में व्यक्ति। पत्नी, पत्नी में भी बड़ी ई की मात्रा आती है, पत्नी। ऐसा, ऐसा आई की मात्रा, आई खुद ही एक स्वर है, तो आप देखेंगे उसमें दो मात्राएं कैसे आ सकती हैं, तो ये होता है ऐसा, ऐसा नहीं बोलते हम, ऐसा ऐसा लिखते हैं। फिर है नाराज। नाराज अशुद्ध, नाराज शुद्ध रूप नाराज। ज की आवाज आ रही है तो उसमें नुक्ता भी लगेगा नीचे। फिर है सेना। हम बोलते हैं सेना और लिखते हैं सेना, या बोलचाल में भी कभी कभी हम सेना हमारा उच्चारण होता है, जो कि अशुद्ध है, हमें हमेशा बोलना चाहिए सेना, और सेना ही लिखना चाहिए। दयालु, दयालु तो यहां पर बड़े की मात्रा नहीं, दयालु, दयालु लिखने में कई बार बड़े बड़ों को भी जो है सोचना पड़ता है कि कौन से ऊ की मात्रा है, तो ध्यान रखिए कि दयालु नहीं, अशुद्ध रूप नहीं लिखना है आपको, शुद्ध रूप लिखना है दयालु। निरोग, निरोग जैसे निरोग बोलने में, जैसे बीमारी है बोलने में हमें छोटी ई की मात्रा लगती है, लेकिन वो उसका अशुद्ध उच्चारण है, अशुद्ध रूप है, तो हम हमेशा बोलेंगे निरोग। निरोग मतलब स्वस्थ होना, बीमारियों से बचे रहना। फिर है आकाश। आकाश जो है कई बार बोलते हैं आकाश, आकाश नहीं होता है, वो है आकाश। आप ध्यान से देखिए, आपको शब्द दिख रहे होंगे आकाश। तो एक बार फिर से हम पढ़ते हैं, ये है आगामी, बीमार, हानि, धुआं, व्यक्ति, पत्नी, ऐसा, नाराज, सेना, दयालु, निरोग, आकाश। तो ये सारे शब्दों को आपको लिख कर अभ्यास करना है, ताकि आपकी किसी भी, कोई भी आप प्रश्न उत्तर लिखे, शब्द अर्थ लिखे, अगर अनुच्छेद लिखे, किसी में भी आपकी त्रुटि ना हो और आपको अच्छे अंक प्राप्त हो। तो सब पढ़ो सब बढ़ो, और इन वीडियोस को शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचे। मिलते हैं अगली कक्षा में।